हम गेहूं के आटे की पकौड़ी बनाएंगे, देखना कितने क्रिस्पी और सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं और टेस्ट खाने में भी बहुत अच्छे स्वाद लगते हैं। आप एक बार बना के जरूर देखिए, बेसन भी फेल है इसके आगे। इसके लिए हमें प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, हल्दी, मिर्च चाहिए। फिर एक बड़े कटोरे में हम आटा ले लेंगे, उसमें हम सब चीज डाल देंगे, फिर उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें पानी डालेंगे, पानी से हम पकौड़ी वाला घोल तैयार करेंगे। देखेंगे कंसिस्टेंसी उसकी, देखेंगे अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल के और उसे अच्छा सा फेंटेंगे और थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट के लिए छोड़। फिर कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी पकौड़ियाँ काटेंगे। तेल गरम होना चाहिए, फिर पकौड़ी डालने के बाद उसे धीमी आँच पे धीरे धीरे पकाएंगे। देखिए कितना बढ़िया रंग आया है, ये देखिए। एक बार आप खा बना के देखिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नया चैनल है, नया चैनल, आपको प्लीज़ कोई नई रेसिपी देखनी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब।